हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री सीमेंट स्टॉक के बारे में और उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आने वाले दिनों में क्या लेवल्स हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक का अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस है 26,916 के आसपास। मैं कहूँगा 26,900 ही हम मान लेते हैं। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 25,900, यानी कि 1,000 रुपए का स्टॉक में अंतर है अभी के रेट से। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट है स्टॉक का लगभग 25,300 का। ठीक है, अब बात करते हैं क्या एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में एंट्री बनती है, और बनती कहाँ पे है। स्टॉक में एंट्री बनती है 26,000 के ऊपर। 26,000 के ऊपर बाय कर सकते हैं, ठीक है, और स्टॉप लॉस जरूर लेकर के चलें, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे पास ऑलरेडी है सपोर्ट 25,328 का। उसके बाद बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट फ्रेंड्स हमें कितना मिलेगा, हमें टारगेट्स मिलेगा 26,900 का, यानी कि 900 रुपए का टारगेट है। और मुझे लगता है इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, खरीदारी करने की स्थिति में है स्टॉक। लेकिन आप खरीदारी कब करेंगे, अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस, ठीक है। हमने खाली लेवल आपको बताए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। बाकी आपका एनालिसिस क्या कहता है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।